तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। हमारे बिहार का जो सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं चंद्रकिशोर मणि त्रिपाठी जी। हम इनसे जानेंगे कि छठ पूजा किस किस तरह से किया जाता है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, क्योंकि छठ पूजा हमारे बिहार का सबसे बड़ा पूजा है, इसीलिए इसे महापर्व कहा जाता है। तो बाबा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। बसंत विहार न्यूज के तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद जी। तो जो छठ पूजा की शुरुआत है हमारे यहाँ, वो कब से हो रहा है और इसमें किस किस तरह से, कब क्या है, कब क्या है, थोड़ा आप डिटेल हमारे दर्शकों को बताते चले, ताकि वो लोग मान लीजिए कि उस तरह से अपना। देखिए, अब की छठ पूजा जो है जी, लगातार औरतों को इसमें लगे रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 26 को गोधन परा रहा है, बनाया जा रहा है, 27 को कूटा जाएगा, 28 तारीख को छठ का नहाए खाए है। अच्छा। उस दिन लौका बनाया जाता है, लौका का सब्जी, और औरतें शुद्ध घी का बनाया हुआ सब्जी और शुद्ध घी में दाल बना करके खाती हैं। उस दिन से वो सात्विक हो जाती हैं एकदम, थोड़ा सा भी तेल का। जी जी, वो जो खाना बनेगा तो वो वैसे लकड़ी वगैरह पे बनाना उचित रहेगा या गैस वगैरह पे? आज का तो नहाए खाए का जो खाना है वो शुद्ध आप बना सकते हैं। जनरली जो चूल्हा है इस पर मछली मीट नहीं बनता हो, लेकिन जनरली जो चूल्हा है उस पर आप बना सकते हैं नहाए खाए के दिन। लेकिन उसके बाद जब छोटी छठ यानी कि रसियाव रोटी 29 तारीख को शनिवार को है, जो उस दिन आप एकदम सात्विक रहें और मिट्टी के चूल्हा पे ही रसियाव और रोटी, रसियाव रोटी मीठा में बनता है, तो रसियाव रोटी आप बनाएंगे और उसके बाद शाम को भोग लगा करके और तब प्रसाद ग्रहण करेंगे। शाम को दिन भर जो व्रती है उपवास रहती हैं और शाम को रसियाव और रोटी खाती हैं। और फिर उसके अगले दिन अर्थात रविवार को 30 तारीख को, रविवार 30 तारीख को दिन में उपवास रहते हुए शाम को अर्घ देने जाएंगे घाट पे, और वहां पे सूर्य को अस्त। यही एक पर्व है जिसमें सूर्य के अस्त होते हुए भी अर्घ दिया जाता है, एकमात्र यही पर्व है जिसमें सूर्य को अस्त होते हुए भी अर्घ दिया जाता है। तो इसमें सूर्यास्त हो रहा है शाम को 5:36 पे। अच्छा। तो सूर्यास्त है तो उसके पहले मान लीजिए सूर्यास्त हो जाएगा तो आप अर्घ नहीं देंगे। जी, जी। लगभग 5:45 में आप अर्घ दे ले शाम का, और उसके बाद आप घर पे आए और शाम को अपने यहाँ कोसी भरे, जो ईख का कोसी भरा जाता है जिसमें 24 या बहुत लोग 12 भी ऊख लगाते हैं, ईख लगाते हैं, और उसमें कोसी में पूरी अर्ता पतई अरुई सुथनी वगैरह जितना भी फल वगैरह है ये सब रख करके और कोसी भरा जाता है, और सब कोसी पे दीपक जलाया जाता है, वो दृश्य बहुत अच्छा होता है। तो यह बिहार का बहुत बढ़िया पर्व है, सबसे उत्तम पर्व है। तो वैसे आप कोसी भरेंगे, फिर रात में अर्धरात्रि के बाद 12 बजे के बाद आप फिर वह कोसी ईख सहित लेकर के जाएंगे घाट पे, और वहां पर भी उसको रखेंगे, भरेंगे वैसे ही, और फिर वहां से फिर उठा करके घर लाएंगे, और तब फिर जो भी व्रती लोग हैं वे अपना डाला लेकर के और सुबह के अर्घ के लिए उस घाट पे जाएंगे। और सूर्य उदय, अब की बार सूर्य का उदय जो है यानी 31 तारीख को सुबह में सूर्य का उदय 6:24 है, लेकिन अक्षांश देशांतर के अनुसार अपने यहाँ 6 मिनट पहले सूर्योदय होगा, यानी 6:30 पे 6 मिनट पहले। अभी 26 है, 6:26 पे सूर्योदय का समय है, लेकिन अपने यहाँ 6 मिनट पहले उदय होगा, क्योंकि हम बनारस का टाइम बता रहे हैं, पंचांग जो छपता है बनारस से छपता है, तो यहाँ पे 6 मिनट पहले सूर्योदय होगा। उस सूर्योदय काल में पहले से ही व्रतील जो है घाट पे अपना आस्था लगा के खड़ा रहती हैं और सूर्य का इंतजार करती हैं कि सूर्य भगवान उदय हो और हम अर्घ दें, और उस समय सूर्य को उदित होते हुए अर्घ दिया जाता है। तो उसमें दूध से अर्घ दिया जाता है, अगर दूध नहीं है तो उस तालाब के जल से भी अर्घ दिया जाता है, और अर्घ देने के बाद तब व्रती लोग, बहुत लोग वहीं पे चाय वगैरह लेते हैं। हाँ। लेकिन
सुबह में फिर घर आइए आराम से, और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक पारण कीजिए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मछली मीट से पारण करते हैं। तो देखिए व्रत ऐसा है, व्रत हम किस लिए कर रहे हैं? अपने शरीर की शुद्धि के लिए। और जब हम शरीर शुद्ध कर रहे हैं, कार्तिक मास में किसी के यहाँ मछली मीट नहीं बनता है, जो व्रत लोग करता है उनके यहाँ मछली मीट भी नहीं बनता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बैगन का भी सेवन नहीं करते हैं जब तक देवठन नहीं आएगा, अर्थात एकादशी नहीं आएगा, उसके पहले लोग बैगन भी नहीं खाते हैं। और इसमें आपको मीन मांस से जो पारण है नहीं करना है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से मीन मांस जो करही आहारा 64 जोनी गिद्ध अवतारा, ये लिखा हुआ है रामायण में, तुलसीकृत रामायण जो है उसमें लिखा हुआ है कि 64 बार आप गिद्ध के जोनी में जाइएगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप मीन मांस नहीं खाए तो अच्छा है, लेकिन अगर खाते हैं तो इस दिन जरूर परहेज करें, इस दिन आप मीन मांस से पारण न करें, उसके बाद आप दो दिन तीन दिन या एकादशी के बाद आप मछली मीट खा सकते हैं, लेकिन इसके पहले न खाएं तो अच्छा रहेगा जी। तो चलिए अब बाबा जी जो है वो हमें कुछ भी पूछने का इसमें मौका नहीं दिए हैं, और जो सिलसिलेवार ढंग से है जब से ये शुरू हो रहा है 28 तारीख से और 31 तारीख तक का जो भी इसमें मान लीजिए कि आप लोगों को करना है ये पूर्ण रूप से बता चुके हैं बाबा जी। एक बार हम चाहेंगे कि जो सूर्यास्त का समय है और जो सूर्योदय का समय है फिर से बता दे। देखिए सूर्यास्त का जो समय है वह 5:34 है जी, लेकिन अपने यहाँ सूर्यास्त कुछ मतलब पहले होगा जी, जी, पहले होगा सूर्यास्त, और सूर्योदय का जो समय है 6:26 है, यही टाइम है मतलब पंचांग के अनुसार जी। चलिए तो चलिए मुझे लगता है कि अब इसके बाद से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और जो भी बातें हैं छठ पूजा को लेकर, हमारे महापर्व को लेकर हमारे पंडित जी बता चुके हैं, और इससे आप लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।